तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं वन ऑफ द डार्केस्ट ग्रेफाइट पेंसिल्स, जो कि है स्टेडलर की ये वाली ड्राइंग पेंसिल्स। तो हाँ गाइस, इस वीडियो में हम इन्हीं पेंसिल्स को रिव्यू करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये है वन ऑफ द डार्केस्ट ग्रेफाइट पेंसिल्स, दैट इज स्टेडलर की ड्राइंग पेंसिल्स। तो गाइस, मेरे पास जो सेट है उसमें 12 ग्रेड्स के पेंसिल्स आते हैं और अराउंड 1400 रुपीज में ये जो सेट मुझे मिला है। और ये जो पेंसिल्स है आपको 24 शेड्स या 6 शेड्स के सेट में भी मिल सकता है, पर ये टोटली आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप कौन सा सेट को बाय करना चाहते हो। तो गाइस, अब हम बात करते हैं इन पेंसिल्स का पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स के बारे में। वन ऑफ द रीजंस फॉर बाइंग दिस पेंसिल्स इज कि इनकी जो लेड क्वालिटी और वुड क्वालिटी है वो बाकी पेंसिल से, या कह लो जो पेंसिल्स मैंने यूज़ किया हूँ अपने ड्राइंग के लिए अभी तक, तो उनसे बहुत ही अलग और अच्छे क्वालिटी के होते हैं। एक और रीज़न ये भी है कि इनके जो सेट में हमें वैरायटी ऑफ पेंसिल्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम बाकी पेंसिल्स के सेट को देखें तो हमें सिर्फ मेन पेंसिल्स ही मिलता है, जैसे कि HB, 2B, 4B, 6B, 8B या कभी कभी 10B भी मिलता है। पर इनके जो सेट में हमें 10X से लेकर 12B तक सारे पेंसिल्स मिलते हैं। इनका एक और पॉजिटिव साइड ये भी है कि इनका जो पेंसिल्स है बहुत ही डार्क होते हैं, या कह लो डार्कर साइड में आते हैं। तो अगर आप एक ऐसे आर्टिस्ट हो जिनको हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग या कह लो डार्कर शेडिंग करना बहुत ही पसंद है, तो आई थिंक ये जो पेंसिल्स है आपके लिए बना है। पर ये फिर से आपके बजट के ऊपर ही डिपेंड करते हैं कि आपको इस पेंसिल्स बाई करना चाहिए या नहीं। अगर हम इनके नेगेटिव साइड में देखें तो आई थिंक इनके सिर्फ एक ही नेगेटिव पॉइंट है और वो है प्राइस। तो गाइस, मेरा जो ये 12 शेड्स का जो सेट है वो मुझे अराउंड 1400 रुपीज में मिला था। मतलब ये साफ है कि सिर्फ एक पेंसिल का जो प्राइस है वो अराउंड 100 रुपीज का है। इसलिए जो पेंसिल्स है बहुत ही महंगे सेट में होते हैं, और इसी कारण से बहुत सारे बिगिनर आर्टिस्ट को इन पेंसिल्स को खरीदने में दिक्कत आते हैं। तो मुझे ये जो पेंसिल्स है ये मेरे चाचा चाची ने दिया था, तो उनको मैं दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। तो गाइस, सिर्फ यही था एक नेगेटिव पॉइंट, दैट इज इनके जो प्राइस होते हैं बहुत ही महंगे होते हैं, और बाकी आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं कि आप इन पेंसिल्स को बाय करना चाहते हो या नहीं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को ज्यादातर लोगों के साथ शेयर भी कर देना। गाइस, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।